हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज आरके सिंह। आज हम बात करेंगे शुड और मस्ट की, ठीक है, जो मॉडल वर्ब का पार्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद ये जो भी आपको मॉडल वर्ब दिखाई देता है, इसके बाद बेस फॉर्म आता है, ठीक है, जिसको आप V1 के तौर पे आप यूज करते हैं, जानते हैं। लेकिन मैं बेस फॉर्म के बारे में स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगा, जो ग्रामर का फर्स्ट क्लास होगा। तो बेस फॉर्म और V1 में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज अभी आप यूज करेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, शुड के बारे में। शुड का मतलब क्या, सजेशन। शुड का मतलब सजेशन। जब बात होगी किसकी, सजेशन की, क्या बात होगी, जब बात होगी सजेशन की, तो यूज क्या करेंगे, शुड, या इन अदर वर्ड यू कैन से फॉर एडवाइस। किसकी बात होगी जी, जब बात होगी एडवाइस की तो भी हम शुड का यूज करेंगे। जब मस्ट का यूज तब करेंगे जब स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात होगी। क्या चीज की बात होगी, स्ट्रॉन्ग सजेशन। किसकी बात होगी, जब बात होगी स्ट्रॉन्ग सजेशन की तब हम उसको मस्ट यूज करेंगे। या आप अभी पढ़े होंगे अभी तक कि वाक्य में इम्फैटिक की बात होगी। किसकी बात होगी, इम्फैटिक एडवाइस की बात होगी। किसकी बात होगी, इसको आप दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हैं, इम्फैटिक एडवाइस। एक एडवाइस होता है और एक एडवाइस होता है, दोनों में डिफरेंस है जी। यहाँ इसका मतलब क्या है, सजेशन देना, मतलब सलाह देना, और एडवाइस है जो नाउन है और इट इज वर्ब, करेक्ट। तो आज हम बात किसको कर रहे हैं, जब मस्ट की बात होगी तो इम्फैटिक एडवाइस की बात होगी तो, या स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात होगी तो हम किसकी, कौन सा यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। और जब बात किसकी होगी, सिर्फ सजेशन की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे, शुड की बात करेंगे, या ये एडवाइस की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे, शुड की बात करेंगे। जैसे आप कहते हो कि तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ये छोटा वाक्य है, मैं तो बड़ा बड़ा लिखा हूँ लेकिन छोटा। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, ये छोटा हो गया। इसी तरह इम्फैटिक की बात होगी जब उसमें क्या लगा रहेगा, जरूर वर्ड यूज होगा। जैसे तुम्हें अवश्य घर रहना चाहिए, यू मस्ट लिव एट होम, या मस्ट बी एट होम, लिव को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो मस्ट की यूज होगी तो स्ट्रॉन्ग सजेशन, इम्फैटिक एडवाइस की बात होगी, जब शुड की बात होगी तो सजेशन एडवाइस की बात होगी, ठीक है। तो आज हम एग्जांपल आपके लिए लाए हैं कोरोना वायरस के लिए। आप देखिए क्या है, कोरोना वायरस में हम सभी को अपने परिवार के बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि COVID-19 है जो क्या है, ऐसा वायरस है जो बच्चों और बूढ़ों को क्या करता है, सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है, और उसी वही ज्यादा लोग अभी जो मरने वाले में जो ज्यादातर है वह ज्यादातर बुजुर्ग है, या आउट ऑफ इंडिया में मरा हो या इंडिया में मर रहे हो, वह ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग लोग ही इन्फेक्टेड हो रहे हैं और भी मर रहे हैं, या अनहेल्दी जो अस्वस्थ लोग हैं वह बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने बुजुर्ग का, अपने घर में बच्चों का ख्याल रखिए। तो आपको क्या है, इसके लिए आपको क्या यूज करना है, आपको मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट प्लस V1 प्लस लड्डू, ये आपका स्ट्रक्चर है। दिस इज अ स्ट्रक्चर टू चेंज इनटू इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप चेंज इंग्लिश में चेंज करने के लिए, मतलब छोटा सा सेंटेंस है, इसको सिर्फ बड़ा बनाने के लिए कहां पे कौन सा यूज होगा आप देखिए।
कोरोना वायरस एक्स्ट्रा पार्ट हो गया जी। हम सभी को अपने परिवार के बच्चों और बुजुर्ग का ख्याल रखना चाहिए। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब, ठीक है। और फॉर दैट शुड और मस्ट इज यूज अकॉर्डिंग टू सजेशन और स्ट्रॉन्ग सजेशन। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी? वी ऑल क्या हो जाएगा? वी ऑल इस सजेशन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? वी ऑल शुड ख्याल रखना मतलब टेक केयर, और उसके साथ प्रपोजिशन ऑफ आता है तो क्या हो जाएगा? टेक केयर ऑफ। किसकी पहले बात हो रही है? अपने परिवार के बच्चों एवं बुजुर्गों, मतलब क्या इसके यूज होगा अपना अपनी के लिए, तो पोसेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो उसके लिए क्या आता है? आर, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ते हो आवर, लेकिन यह आर होता है, ठीक है, आर शॉर्टली बोला जाता है, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ आवर फैमिलीज चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा जी? चिल्ड्रेन एंड बुजुर्ग का मतलब क्या? द ओल्ड आप लगा दो तो सारे फैमिली के क्या है, बुजुर्ग की बात हो जाएगी, ठीक है। इन कोरोना वायरस, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन कोरोना वायरस, दिख रहा है ना जी? बिल्कुल दिख रहा है, आप समझो और सामने में यूज करो। आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अभी दो पढ़ा रहे, आपको और भी पढ़ाएंगे। मैं आपको लगता है सकता शक्ति के लिए क्या है, सिर्फ कैन यूज होता है, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे हम बोलते हैं क्या, तुम घर जा सकते हो, तो तुम आपको पढ़े होगे, आपको पढ़ाया गया होगा कि सकता शक्ति लगाएगा कैन लगा देंगे, तो ऐसा होगा आंधी आ सकती है तो क्या हम कैन लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। जब पॉसिबिलिटी की बात होगी तो हम मे लगाएंगे, कैपेसिटी एबिलिटी की बात होगी देन यू कैन यूज कैन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लगे लगे रहो, रोज दिन अपलोड वीडियो हो रहा है, आप रोज दिन वीडियो को देखिए, आप 3 महीना के अंदर फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। आगे आइए, तो क्या है, सरकारों को सभी कोचिंग संचालकों की मदद करना चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं अभी कि हर कोचिंग जो एजुकेशन सेक्टर है सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी को हो रहा है, उसी को हम भी उसी से जुड़े हैं, आपसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में। इसका मेन वजह है कि कोचिंग सब बंद है, ठीक है। तो आप घरे रहिए और रोज दिन पढ़ते रहिए, रोज दिन आपको एक वीडियो मिलेगा देखने को, रोज दिन SD इंग्लिश लिसियम में जाइए चैनल में, और रोज दिन आप पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए। तो क्या है, सरकारों, तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट्स हो जाएगा। द गवर्नमेंट्स, या आप यहाँ पे प्लुरल सेंस है तो आप द को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये भी सिर्फ सजेशन की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? शुड और मदद करना, तो क्या हो जाता है जी? हेल्प, ठीक है। किसकी? ऑल कोचिंग डायरेक्टर्स लिख सकते हैं या मैनेजर्स लिख सकते हैं, डायरेक्टर्स, या यहां पे आप मैनेजर्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को जरूर कोचिंग संचालकों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करना चाहिए, यह बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए, क्योंकि हम सभी कोचिंग संचालकों स्कूल संचालकों के लिए बुरी दिन का वक्त आया हुआ है, उनको हेल्प करना चाहिए, सभी को कम से कम कुछ आर्थिक नुकसान जो है उसको भरपाई करने के लिए जरूर हेल्प करना चाहिए। हम चाहेंगे
कि सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। तो चलिए अभी बिहार के मुख्यमंत्री आपको हम स्पेशल एक लाएंगे वीडियो, तो आपको पढ़ाएंगे एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के बारे में। लेकिन आप इतना ही जानिए, जब काके की के काके की से दो चीज जुड़ा हो, दोनों तरफ क्या हो बात हो, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री और ए जब बात सब जब पहला वाला क्या हो निर्जीव हो, बाद वाला से मतलब नहीं है। तो जब बाद वाला पहले वाला क्या हो ह्यूमन बीइंग अगर नहीं हो तो ऑफ का यूज होगा, और जब ऑफ का यूज होगा तो सेकंड फर्स्ट हो जाएगा, और फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, और जो फर्स्ट जाएगा उसके पहले द निश्चित आएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल। ओके, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार इज अ प्रॉपर नाउन सो इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ओके, क्या हो जाएगा शुड। अब देखो वर्ब क्या है, घोषणा करने की बात, तो क्या हो जाएगा डिक्लेयर। क्या आर्थिक पैकेज, मतलब इकोनॉमिक पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज किसके लिए, फॉर कोचिंग संचालकों के लिए, फॉर कोचिंग डायरेक्टर्स। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना। आगे चलिए, सरकार को सभी विद्यालय के निर्देशकों की समस्या अवश्य सुलझाना चाहिए। This is the verb. It shows what? Emphatic advice. A strong suggestion. ठीक है? और this is the object and the part of the object is also connected with the problem of all school directors or you can say managers. Okay? तो इसको हम use करेंगे तो क्या हो जाएगा? Government यहाँ पे ए स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ क्या यूज होगा, मस्ट यूज होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट्स क्या मस्ट समस्या सुलझाना, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ की है ऑफ आएगा, है ना, जो अभी मैं आपको बताया, ऑल स्कूल डायरेक्टर्स। तो आपको आज समझ में आया, आपको मुझे विश्वास है कि आपको सजेशन और स्ट्रॉन्ग सजेशन में आज से कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप कनेक्टेड रहिए, रोज दिन पढ़ते रहिए और कुछ सीखते रहिए, कहाँ पर, घर बैठे। आप इंग्लिश पढ़ने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश पढ़ने के लिए आप घर रहो, कनेक्टेड रहो और पढ़ते रहो और कुछ सीखते रहो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, कुछ और के साथ। ठीक है, नमस्कार।